नमस्कार दोस्तों, धर्मीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी ताज़ा काली मिर्च का अचार बनाएंगे, जो बनाने में तो आसान है ही और इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा है कि हमें काली मिर्च का अचार खाना ही चाहिए। ताज़ा काली मिर्च विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर होता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इसमें कैंसर के साथ लड़ने की भी ताकत होती है। तो इस तरह से काली मिर्च हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदाकारक है। तो आज हम इसी काली मिर्च का बहुत ही हेल्दी अचार बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ काली मिर्च का अचार बनाएंगे तो इसमें कभी भी फंगल्स नहीं होगी। इस अचार की खास बात यह है कि आप इसे बिना फ्रीज भी साल दो साल तक स्टोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान विधि से काली मिर्च का अचार। ताज़ा काली मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले में 3 गिलास पानी लेंगे, 2 कप नमक ऐड करेंगे। अब पानी को चलाते हुए मिला लेंगे। पानी को हमें उबाल आने तक गर्म करना होगा। पानी में उबाल आने लगे उसके बाद पानी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए उबालना होगा। पानी में नमक मेल्ट होने में टाइम लगेगा। 3 से 4 मिनट उबलने के बाद भी नमक नहीं पिघलेगा, नमक पानी के साथ मिक्स होने में 1 दिन लगेगा। पानी को अच्छे से उबालना ज़रूरी है, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। यहाँ पानी को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद 1.5 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब पानी को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ 15 नींबू लिए हैं, जिसे अच्छे से धो लेंगे। मैंने यहाँ 15 नींबू लिए हैं, लेकिन अचार बनाने के लिए हमें 20 नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाद में मैंने 5 नींबू ऐड किया था। नमक वाला पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसमें 20 नींबू निचोड़ेंगे। काली मिर्च के अचार में नींबू और नमक की मात्रा सही होनी चाहिए। अगर नींबू और नमक कम होगा तो अचार खराब हो सकता है और काली मिर्च हद से ज़्यादा नींबू और नमक एब्जॉर्ब नहीं करेगी। नमक और नींबू हमने ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो यहाँ हमारा अचार बनाने के लिए पानी तैयार है। अब मैंने यहाँ 1/2 किलो हरी ताज़ा काली मिर्च ली है। इस तरह के हरी ताज़ा काली मिर्च दिसंबर से फरवरी तक मिलती है, लेकिन अगर आपको अचार बनाना हो तो दिसंबर में मिलने वाली काली मिर्च से अचार बनाओगे तो वो अचार ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि अगर आप जनवरी या फरवरी में मिलने वाली काली मिर्च लोगे तो उसमें दाने पकने शुरू हो गए होते हैं, तो वो काली मिर्च के दाने कड़क होते हैं, तो ऐसे कड़क वाले काली मिर्च का अचार खाने में अच्छा नहीं लगता। अब काली मिर्च में से काला वाला डंठन हटा देंगे और इसमें जो भी दाने खराब है या फिर काले हैं वो सब निकाल देंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ सभी डंठन और खराब दाने निकाल दिए हैं। अब काली मिर्च को 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा बारीक कचरा रहता है, तो इसे 3 से 4 बार धोना ज़रूरी है। 3 से 4 बार धोने के बाद काली मिर्च को साफ कपड़े पर निकाल लेंगे और फैलाकर 5 से 10 मिनट रखेंगे, ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए। अब काली मिर्च को इस तरह से 3 टुकड़ों में कट करेंगे। काली मिर्च के अगर इस तरह से छोटे टुकड़े करेंगे तो खाने में आसानी रहेगी। अब इन टुकड़ों को बोतल में भरेंगे। अब हमने जो नमक और नींबू वाला पानी बनाया था वो पानी डालकर पूरी बोतल भर देंगे। अब इसे 7 से 8 दिन ऐसे ही रखना होगा और दिन में 2 बार चम्मच से मिलाना होगा। मेरी बोतल छोटी थी इसलिए नमक वाला पानी इसमें आ नहीं रहा था, तो मैंने अचार को बड़ी बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया था। 7 दिन के बाद आप देख सकते हो कि काली मिर्च सब पानी में नीचे बैठ गई है, मतलब हमारा अचार अब खाने के लिए तैयार है। जिनको काली मिर्च का टेस्ट पसंद हो उनको ये अचार बहुत ही पसंद आएगा। रोज़ाना खाने का स्वाद बढ़ाने वाली इस काली मिर्च का अचार आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।